नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं वो बीजेपी की चालाकी को दर्शाता है। लेकिन इससे पहले मोदी और शाह का रणनीति कितना कामगार होगा वो आपको विस्तार से बताते हैं। वही मोदी की सुनामी की शुरुआत दिसंबर 2018 में तीन राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हार या फिर 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले से नहीं उपजी थी। हालांकि तीन राज्यों की हार ने बीजेपी की जीत को लेकर संदेह जरूर पैदा किया और ऐसा माहौल बनने लगा कि मोदी शाह की जोड़ी अपराजय नहीं है। लेकिन इतना तय था कि इस हार ने 2019 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोक लुभावना वादों से चुनाव की दिशा तय कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और राहुल का चुनाव प्रबंधन बीजेपी जैसा नहीं था, ना ही कोई बड़ी रणनीति नजर आ रही थी। द प्रिंट में छपी खबर के अनुसार तीन राज्यों की बड़ी जीत के बाद कांग्रेस अति आत्मविश्वास में आ गई थी। महागठबंधन की कवायद भी इस तरह तेज हो गई थी कि विधानसभा की जीत के बावजूद उसका नाम फोकस मोदी ही थे। जबकि दूसरी तरफ मोदी शाह की बड़ी खासियत दिखी कि वे हर चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ते हैं, भले ही उसमें जीत मिले या हार, दोनों ही स्थितियों में संगठन के स्पीड को थमने नहीं देते। हर चुनाव को नॉकआउट बनाकर लड़ना इस जोड़ी की आदत में शुमार है और इसके लिए आखिरी दम तक जूझने का जज्बा नतीजे तक आने का रखता है। इसलिए जब तीन राज्यों में हार मिली और भाजपा के हाथ से जमी जमाई तीन सरकारें निकल गई तो मोदी शाह के चेहरे पर सिकन नहीं थी, क्योंकि दोनों की निगाहें मछली की आंख की तरह लोकसभा चुनाव पर टिकी थी, जिसकी तैयारी 5 साल से निरंतर चल रही थी। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 11 दिसंबर 2018 को सेमीफाइनल वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और 13 दिसंबर को शाह ने राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक बुलाकर लोकसभा चुनाव अभियान के लिए 12 पन्नों का एक राजनीतिक एजेंडा थमा दिया था, जिसमें सामाजिक समीकरण को साधने के लिए पार्टी के सभी मोर्चे, युवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान मोर्चा को अलग अलग राज्यों में अधिवेशन और एक एक रैली करने, पहला वोट मोदी को कमल ज्योति संकल्प, बूथ पर सुशासन दिवस, कमल मोटरसाइकिल रैली, सैनिक सम्मान, मेरा परिवार बीजेपी परिवार जैसे महाअभियान का खाका था। दूसरी तरफ 15 जनवरी से 10 फरवरी के बीच अमित शाह का क्लस्टर स्तरीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 5-5 बूथों से बने शक्ति केंद्रों का सम्मेलन, लाभार्थी संपर्क 10:30 बजे से पहले मतदान, युवा संसद, प्रबुद्ध सम्मेलन करने का कार्यक्रम तय हो चुका था। युवा मोर्चा को 14 तरह के अभियान चलाने का निर्देश दिया जा चुका था। सारे अभियान चुनावी अधिसूचना से ठीक पहले 2 मार्च तक खत्म करने की योजना थी। हर कार्यक्रम को किस तरह करना है या कितने लोग किस तरह के लोगों को लाना है, इसका एक एक विवरण हर परिपत्र में शाह ने शामिल कर लिया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 100 रैलियां का खाका बन चुका था। इनमें से रणनीति तौर पर बीजेपी ने 123 हारी हुई सीटों के लिए जो रणनीति बनाई थी उन क्षेत्रों में या उसके आसपास मोदी की रैली का खाका क्लस्टर के हिसाब से हुआ। यह दौरा सरकारी होता था, लेकिन साथ में बीजेपी की विशाल रैलियां भी होने लगी। ये वही समय था जब बीजेपी अपने विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना जैसे राज्यों में गतिविधि तेज कर चुकी थी। ईस्ट इंडिया प्लान हो या फिर मौजूदा राज्यों में लोकसभा की सभी सीटों को बरकरार रखने की चुनौती, शाह लगातार सर्वेक्षण कराकर अपनी रणनीति को अंजाम देने में जुटे थे। चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति भी बन रही थी, जिसमें मोदी का चेहरा और विकास का एजेंडा सबसे ऊपर था। इसके बाद अंतरिम बजट में सम्मान निधि से किसानों, बीमा से व्यापारियों, आयकर के छूट से मध्यम वर्गों को साधने की कोशिश हुई। लेकिन 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ की जवानों की शहादत ने चुनाव की पूरी बहस ही बदल दी। पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की रणनीति बनी तो 16 फरवरी से बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान की दिशा मोड़ दी। राष्ट्रवाद सर्वोपरि हो गया, विकास जैसे मुद्दे नीचे चले गए। अमूमन यह माना जाता है कि पुलवामा और फिर ऑपरेशन बालाकोट ने बीजेपी को राष्ट्रवाद का मुद्दा थमाया, लेकिन ऐसा मानने वाले बीजेपी संघ को शायद समझते नहीं है। बीजेपी संघ का राष्ट्रवाद से अनन्य श्रेय संबंध है, जिसे पिछले 5 वर्षों में बीजेपी ने कई बार अलग अलग अंदाज में हवा दी। जाहिर है 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, सभी राजनीतिक दल जनता से वादे और दावे भी करेंगे, राजनीति रोटियां भी सेकी जाएगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।